अक्सर पशुपालक भाइयों, आपके पशु में संक्रामक रोग लग जाते हैं जिसके कारण आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में प्रतिबंध परम बेहतर है, यानी गौ पशुओं में इलाज के स्थान पर बचाव की दिशा में ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। गौ पशुओं में संक्रामक रोग एवं इनके बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लव शेखर, पशु औषध विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना। दुधारू पशुओं में होने वाली प्रमुख संक्रामक बीमारी जिससे पशुपालक भाई बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, उनकी आय में बहुत ज़्यादा कमी होती है, उचित समय पे अगर इसका इलाज शुरू हो जाए या इसका टीकाकरण हो जाए तो ये बीमारी से बचाव किया जाता है। एक बीमारी है जिसको कि लोकल लैंग्वेज में देहाती भाषा में कह सकते हैं कि इसको खुरहा रोग बोला जाता है, और ये बहुत ही पुरानी बीमारी है। एक वायरस विषाणु जनित बीमारी है जो कि दुधारू पशुओं में ही नहीं दूसरे पशुओं में भी ये रोग होता है। और ये रोग इसको कहा जाता है कि ये हवा से फैल जाती है, जिसको कि हम ड्रॉपलेट, मतलब कि अगर गाय खांसी, अगर गाय के मुंह से हवा में फैला, और ख़ास करके ऐसे मौसम में जब आर्द्रता ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठंड का मौसम हो, तो ये बीमारी के फैलने का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो इसे खुरहा रोग कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है जानवरों में, वो पशुओं में अगर ये रोग गाय या भैंस में हो तो वो गाय अपना मुंह चपचप करने लगती है, इसीलिए इसका मुंह चपका रोग कहा गया है। ये सबसे पहला जो लक्षण देगा, इसके मुंह से लार चूते रहता है, इसके साथ साथ गाय या भैंस लंगड़ाने लगती है, ये पहला लक्षण है। इसके साथ साथ ये तीव्र बुखार भी हो सकता है पशुओं में, जो गाभिन पशु हैं वो उसमें अबॉर्शन हो सकता है। तो ये सारे कुछ लक्षण शुरुआती दौर में मिलते हैं, जिसे किसान भाई को सतर्क हो जाना चाहिए कि लगता है ये खुरहा मुँह चपका रोग है। और ये FMD बीमारी एक पशु में नहीं होता है, जब भी किसी जगह पे होगा तो एक से ज़्यादा पशुओं में ऐसा लक्षण दिखाई पड़ेगा। तुरंत ही इसे निकटतम पशु चिकित्सक को बुला करके इसके उपचार में लगना चाहिए। अगर इसके उपचार को उचित समय पे किया जाए तो इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। अगर हम वर्ष में 2 बार खुरहा मुँह चपका रोग का टीकाकरण कर दें तो इस वायरस बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में जो कारक होते हैं उसको रोका जा सकता है। अगर किसी जगह पे ये बीमारी पाया जाए तो उस जगहों पे वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए चूने का छिड़काव करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4% का घोल छिड़कना है, जिससे कि वायरस उसी जगह रहे और दूसरे पशुओं को ना चराए। उस ग्रसित खुरहा रोग से ग्रसित गाय या भैंस को अलग रखें, इसको आइसोलेशन में करें, और जो स्वस्थ जानवर हैं उससे इसको दूर रखें। और ख़ास करके सबसे सावधानी बरतने वाली बात है कि जो दूध दुहते हैं उनके हाथ की सफाई, ताकि एक ग्रसित पशु को छू करके अगर किसी स्वस्थ पशु को वो छुएंगे तो इससे भी रोग फैलने की संभावना होती है। लंगड़ी बुखार नाम बताता है कि इसमें भी जानवर लंगड़ाने लगेगा, और ये बहुत ही साधारण ढंग से आप इसको पहचान सकते हैं। अचानक मृत्यु दर बढ़ जाएगा, अगर ये बहुत तीव्र गति से होगा तो ऐसे पशु में मॉर्टेलिटी रेट, मरने का दर बहुत तेज़ हो जाता है। लेकिन अगर पशुपालक भाई अपने जगह पे देख रहे हैं, अगर उस जगह पे इसका वर्ष में एक बार टीका नहीं लगा है, वर्षा ऋतु से समय ये बीमारी फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वर्षा ऋतु के समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि पानी का जल जमाव अगर होगा तो इसका बैक्टीरिया फैलने का संभावना होता है। और इस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण बुखार का होना, बुखार होने के साथ साथ इसके पूरे शरीर में सूजन आना और एक करकराहट, चरचराहट की आवाज़, अगर आप उसके शरीर को छुएंगे तो एक चरचराहट की आवाज़ सुनाई देगी, इससे पता चलता है कि ये बीमारी हुई है। फिर आप इसमें अपने निकटतम पशु चिकित्सक के सलाह से इसका अगर समय पे इलाज शुरू करते हैं तो इस रोग से भी बचाया जा सकता है, इससे ऐसा निदान पाया जा सकता है। इसका उचित समय में, खास करके वर्षा ऋतु से पहले, अगर BQ का टीका लगा दिया जाए तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। जो तीसरी बीमारी है जिसका नाम ही है गला घोटू, मतलब कि अचानक मौत। कभी कभी पशुओं में समय नहीं मिलता है पशु चिकित्सक को वहाँ पहुँचने का,
और उसकी गर्दन पूरी सूज जाती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, वे भी एक बैक्टीरिया, ये दोनों बीमारी HS और BQ बैक्टीरिया से होने वाली जीवाणु जनित रोग है, जिसका फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप लक्षण समय पर पहचान लें तो बहुत सारे जानवरों को बचाया जा सकता है। एक क्षेत्र में खास करके ये फैलता है तो HS को भी हम बचाया जा सकता है। HS होने पे तुरंत ही पशु, क्योंकि एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है, अगर एक बार होता है तो इसका लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, गले में सूजन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुँह से लार गिर रहा है, जानवरों को पानी पीने में दिक्कत हो रहा है, सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये एक गला घोटू बीमारी का लक्षण हो सकता है। पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए और इसमें देरी ना करिए, और इसका उचित इलाज अगर किया जाए तो इसमें भी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि चला करके बचाया जा सकता है। इमरजेंसी बहुत सारा ट्रीटमेंट है, इसलिए इसका टीका भी अगर हम वर्षा ऋतु से पूर्व अगर हम जानवरों को लगा लें तो इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है कि HS और BQ का एक कंबाइंड, एक साथ टीका भी उपलब्ध है, इसको भी अगर कराया जाए, हमारे सरकारी संस्थान इस टीकाकरण को व्यापक रूप से करते हैं। पशुपालक भाई से सलाह है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि टीका लगाने से दूध में कमी पाई जाती है, इस बात को पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, टीकाकरण अवश्य कराया जाए। जो बीमारियां बाहर में डायग्नोज ना हो पाए या ठीक ना होती है उसको हम लोग यहां पे रखते हैं और उसका उचित इलाज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास शल्य चिकित्सा की व्यवस्था है। इस प्रकार किसान भाई गौ पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्वच्छता और देखभाल करना आवश्यक है। संक्रामक रोगों को हम भगाएंगे, गौ पशुओं की सुरक्षा में हम सब हाथ बढ़ाएंगे।